हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू अपने चैनल इजी निटर पर आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए एक लेस बनाने का डिज़ाइन लेकर आई हूँ। इस लेस को आप कार्डिगन के बॉर्डर में, स्वेटर के बॉर्डर में, बटन पट्टी के साइड में इसको आप यूज़ कर सकते हैं। कुशन कवर के साइड में, तकियों के साइड में इसको आप यूज़ कर सकते हैं। आइए देखते हैं इसे हमने कैसे बनाना है। इसको बनाने के लिए हमने सिलाई पर 10 फंदे डाल लिए हैं। 10 फंदे डालने के बाद अब 2 फंदे हमने सीधे बनाए, ऊन आगे की, फिर एक फंदा सीधा बनाया। अब ये बचे हुए 7 फंदे हम उल्टे बना लेंगे। ये सीधी सिलाई हमने बना ली है, 2 फंदे सीधे बनाए, ऊन आगे कर 1 फंदा सीधा बनाया, फिर 7 फंदे सीधे बनाए। सीधी सिलाई कंप्लीट हो गई। अब उल्टी सिलाई है, उल्टी सिलाई में सारे फंदों को हम उल्टा बनाएंगे। फ्रेंड्स, ये जो मैंने वूल ली है ये वर्धमान की बेबी वूल है और इसको बनाने के लिए मैंने 11 नंबर की सिलाइयों का यूज़ किया है। ये देखें, उल्टी सिलाई पर हमने सारे फंदों को उल्टा बना लिया। अब फिर से हमारी सीधी सिलाई आ गई, फिर से हमने वही प्रोसेस रिपीट करना है। 2 फंदे सीधे, ऊन आगे। अब ये जो पहले हमने 1 फंदा सीधा बनाया था, अब ये 2 फंदे सीधे हो जाएंगे, जाली से बड़ा हुआ फंदा भी सीधा और ये जो हमने पहले ही सीधा बनाया था ये भी सीधा। अब ये 7 फंदे उल्टे और उल्टी सिलाई पूरी उल्टी। अब ये देखें, सीधी सिलाई आ गई है, फिर से 2 फंदे सीधे, ऊन आगे। अब ये सीधे फंदे 3 हो जाएंगे। अब ये जाली से बड़ा हुआ सीधा, फिर पहले वाली जाली से बड़ा सीधा और एक ये जो हमारा सीधा था, बाकी 7 फिर से उल्टे और उल्टी सिलाई हर बार उल्टी ही बनेगी। ये फिर से हमारी सीधी सिलाई आ गई, वैसे ही बनाएंगे। 2 फंदे सीधे, ऊन आगे कर ये देखें, 2, 3, 4, 5 एक एक करके ये सीधे फंदे बढ़ते जा रहे हैं। जो जाली से बड़ा हुआ फंदा है उसे हम इस तरफ सीधा बनाते जा रहे हैं और ये 7 फंदे हर बार उल्टे ही बन रहे हैं। उल्टी सिलाई को हर बार उल्टा ही बना लेना है। उल्टी, अब ये देखें, फिर से हमने ऐसे ही बनाना है। अब ये हमारा हर बार एक फंदा बढ़ जाता है। पहले 1 था, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अब 2 सीधे बनाए आगे ऊन कर ये बाकी सारे फंदे हमने जो जाली से बढ़ते जा रहे हैं हमारे ये सीधे बना लिए। ये देखें, अब ये सीधे फंदे हमारे पास 2, 4, 6, 8, 10 हो गए हैं और ये वाले फंदे हमारे हर बार 7 ही बन रहे हैं। ये देखें, 7 ये हमारे उल्टे ही बन रहे हैं हर बार। अब हमने क्या करना है कि ये 7 फंदों को बंद कर देना है। जब ये हमारे सीधे फंदे 10 हो गए हैं तो ये 7 फंदों को हमने बंद करना है उल्टी सिलाई की तरफ से। ये देखें, बंद करने के लिए 1, ये फिर इस पे चढ़ाया, 2, फिर इस सिलाई पे चढ़ाया, 3, 4, 5, 6, 7 7 फंदे बंद कर ये 10 फंदे हम ऐसे ही उल्टे बना लेंगे। अब ये देखें फ्रेंड्स, ये 10 फंदे फिर से हमारे पास आ गए जैसे हमने शुरू में 10 डाले थे पैटर्न की। फिर वैसे ही हम शुरुआत करेंगे, 2 सीधे, ऊन आगे करके 1 सीधा, ऊन आगे करके 7 उल्टे, 3, 6 और 7।
ये सात फंदे हमने उल्टे बना लिए, अब उल्टी सलाई पूरी उल्टी बनाएंगे। पैटर्न को उसी तरह से रिपीट करना है, दो सीधे ऊन आगे। अब ये जाली से बड़ा हुआ फंदा सीधा और पहले जो हमारा सीधा था, ये देखें पहले एक था अब दो हो गए, और ये सात फंदे उल्टे, ये सात उल्टे। अब ये देखें इसी तरह हमने सीधी सिलाई पर फंदे बढ़ाते हुए बनाना है। देखें दो सीधे ऊन आगे, ये ऊन आगे करने से जाली डल जाती है जिसका अगली बार फंदा बढ़ जाता है। ये इसी तरह से हमने सिलाई बनानी है, ये सात फंदे उल्टे, उल्टी सिलाई उल्टी। दोबारा से हमने ये जब तक बनाना है जब तक कि हमारे पास ये सीधे फंदे 10 नहीं हो जाते। ये अभी हमारे पास तीन और तीन छह फंदे हैं। अब ये जाली डालते हुए हमें जब तक बनाना है जब तक ये सीधे फंदे हमारे 10 नहीं हो जाएं। ये देखें सीधे फंदे हमारे पास तीन, तीन छह और तीन नौ हो गए हैं। अब की बार हम जाली डालेंगे तो ये फंदे 10 हो जाएंगे। ये दो हमने सीधे बनाए ऊन आगे की, ये बाकी फंदे आठ हमारे ये सीधे। अब ये फंदे हमारे पास सीधे वाले 10 हो गए हैं। उल्टे फिर इधर से सात बना लिए और परली तरफ से अब हम इन फंदों को बंद कर देंगे। सात फंदे जो उल्टे हैं इन्हें अब हम बंद करेंगे। एक, दो, तीन, चार, पांच, छः और सात, बाकी फंदे उल्टे बन जाएंगे। और फिर अब सीधी सिलाई पर हम इन 10 फंदों में पैटर्न को फिर से रिपीट करेंगे। ये देखें फ्रेंड्स, जब हम पैटर्न को अपने को आगे आगे रिपीट करेंगे तो ये इस तरह से उल्टे के ये कंगूरे जैसे हमारे पास आते जाएंगे, ये बेल की तरह ये किनारी आगे बढ़ती जाएगी। अब इन 10 फंदों में फिर से वही पैटर्न की शुरुआत कर लेंगे। पैटर्न की शुरुआत करके मैं एक दफ़े आपको बता देती हूँ। ये दो सीधे बनाए ऊन आगे की, एक सीधा ऊन आगे की, ये सात उल्टे। अब सात ये हर बार उल्टे ही बनेंगे, उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बनेगी और ये जाली से हर बार सीधा फंदा एक एक बढ़ता जाएगा। ये थोड़ा पैटर्न मैं आपको और अब आगे बना करके बताऊंगी कि ये कैसा लगेगा। ये देखें फ्रेंड, जब हम इस पैटर्न को आगे आगे कंटिन्यू करेंगे तो इस तरह से ये बेल बनती जाएगी। अब इसे आप बॉर्डर की तरह कैसे यूज करेंगे ये मैं आपको बताती हूँ कि हमने इसके ऊपर से फंदे कैसे उठाने हैं। ये देखें जहां से हमने ये फंदे डाले थे वहां से हमने अपनी दूसरी ऊन लगाई और ये किनारे के फंदे को हमने उठाना शुरू किया। ये देखें दो, तीन, अब ये दोनों फंदों के बीच में से हम एक फंदा उठाएंगे, चार, पांच, फिर आगे एक, दो, तीन, चार, पांच, इस तरह से ये किनारे का फंदा हम उठाते हुए फंदे उठा लेंगे। एक बार ये बीच में से फंदा उठाएंगे, ये देखें इस तरह से ये एक, मैं आपको आराम से करके बताती हूँ। ये दो और फिर ये किनारे वाला फंदा तीन, इस तरह से ये देखें कि एक ये फंदा, एक ये यहाँ पर दोनों फंदे जहाँ ज्वाइंट हुए हैं वहाँ से दो और फिर ये एक किनारे वाला फंदा,
इस तरह से जब आप फंदे उठाएंगे तो ये बिल्कुल ऐसे खिंच के आएगा आराम से। इसको आप ये देखें इस तरह से, जैसे माने कि ये बाजू का बॉर्डर है, इस तरह से आ जाएगा। और ये जो हमने फंदे उठाए हैं, इससे फिर हम अपनी बाजू या पल्ला जो भी है वो बनाना शुरू कर लेंगे। ये देखें फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।